ऑनरेबल जनाब गुलरेज अख्तर अंसारी साहब, जनरल सेक्रेटरी झारखंड स्टेट कॉलोनी मोमिन कॉन्फ्रेंस। रिस्पेक्टेड जनाब नजरुल अंसारी, चेयरमैन सरायकेला डिस्ट्रिक्ट कॉलोनी मोमिन कॉन्फ्रेंस। एंड जनाब जैनुद्दीन अंसारी, वाइस चेयरमैन सरायकेला डिस्ट्रिक्ट कॉलोनी मोमिन कॉन्फ्रेंस। एंड ऑल द पीपल गैदरिंग हियर, ऑल ऑफ यू, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। I am really very thankful that I have been given a golden opportunity to say something in the occasion of 104th birth anniversary of marhum Abdul Razzaq Ansari Sahab. सबसे पहले मैं कुछ लाइनें शायरी की पेश करना चाहता हूँ, इजाज़त है? ना दौलत पे नाज करते हैं, ना शोहरत पे नाज करते हैं, खुदा ने हमें मोमिन बनाकर पैदा किया, इसलिए हम मोमिन होने पर नाज करते हैं। पाना है जो मुकाम, वो मुकाम अभी बाकी है, अभी तो आए हैं जमीन पर, अभी आसमान की उड़ान बाकी है, अभी तो लोगों ने सुना है ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस का नाम, अब इस नाम की पहचान बनाना बाकी है। मेहनत अच्छी हो तो रंग लाती है, मेहनत गहरी हो तो सबको भाती है, मेहनत नादान हो तो टूट जाती है, पर अगर मेहनत ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस जैसी हो तो इतिहास बनाती है। रात नहीं ख्वाब बदलते हैं, मंजिल नहीं कारवा बदलता है, जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले पर वक्त जरूर बदलता है। अब चलिए, आज हम लोग जिस मकसद से यहाँ जमा हुए हैं, मरहूम अब्दुल रज़ाक अंसारी साहब, उनके जीवन के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ, तो गौर फरमाएं। अब्दुल रज़ाक अंसारी साहब एक राष्ट्रवादी नेता, स्वतंत्रता सेनानी, मोमिन बुनकर, क्रांति के साहसी योद्धा थे। एक अत्यंत साधारण और गरीब परिवार में रांची के ओरामांझी सब डिवीजन स्थित इरबा गांव में 24 जनवरी, जो कि आज का दिन है, 1917 में उनका पैदाइश हुआ, वहीं पली बड़े। इंसान की एक बहुत बड़ी पहचान, आम लोगों तक पहुँचने की अद्भुत कला जानते थे और एक जननायक की तरह गंभीर विषयों की सहज व्याख्या करने में माहिर थे। मुस्लिम समाज में शिक्षा का दीप जलाने और बुनकर को आर्थिक आजादी दिलाने का संकल्प लिया और 1946 में, मैंने उस समय एजुकेशन का बहुत ही दिक्कत था, कहीं भी एजुकेशन मैंने प्राप्त करने का कोई साधन नहीं था, तो 1946 में रांची में जो इरबा गांव है वहां अब्दुल कय्यूम मध्य विद्यालय स्थापना किया। इस तरह इनका मैंने काम करने का जो जज्बा आगे बढ़ता रहा और 1978 में एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोजगार के लिए, एक एजुकेशन साथ रोजगार भी चाहिए, उन्हें 1978 में छोटा नागपुर रीजनल हैंडलूम वेबर्स कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड इरवा स्थापना किया। वहाँ क्या होता कि बुनाई कढ़ाई का काम से सबको काम दिया गया मोमिन भाइयों को, ताकि उसका सभी रोजी रोजगार, और इसमें सिर्फ मोमिन भाई ही नहीं थे, आदिवासी और भी पिछड़े वर्ग के सभी लोग थे। और एक बहुत ही फेमस पोएट है, कवि है, मैथिली शरण जो, वो अपने शब्दों में इनके तारीफ किए हैं कि ना तन सेवा, न मन सेवा, ना जीवन और धन सेवा, मुझे है इष्ट जन सेवा, सदा साची वन सेवा। अब्दुल रज़ाक अंसारी साहब बहुत से स्कूल के फाउंडेशन रखे, बहुत से सरकारी गैर सरकारी संस्थान के डायरेक्टर रहे, सम्मानित सदस्य और पदाधिकारी, बिहार विधानसभा में हुए कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे। हाजी साहब बहुत ही पारसमणी थे, मैंने जिसे भी छू दिया वो सोना बन गया, जमाना उनके अपरतिम गुण के कारण ललित रहता था और हाजी साहब का यह स्वर्ग स्पष्ट उसे प्राप्त होता रहा। उनका एक ही मकसद रहा जिंदगी में, उसे मैं दो लाइन में सुनाना चाहता हूँ। चला जाता हूँ हंसता खेलता मुझे हवादी से, अगर आसानियां हो जिंदगी दुश्वार हो जाए। और बहुत एक्टिव रहे राजनीति से, आजीवन जिंदगी भर जुड़े रहे और अपने युग का जो है महान हस्तियों के साथ उनका ताल्लुकात रहा। उनमें महान हस्तियों उनमें है स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब। मैंने कबीर का कुछ लाइन इन पर बहुत फिट बैठती है, इनका कुछ लाइन है, ये चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ी के मैली इन्हीं चदरिया, दास कबीर जतन से ओढ़ी,
जीव की त्यों धरी दीनी चदरिया। और इस तरह उनका काम करने का कारवां चलते रहा और जिस तरह हर इंसान का आखिरी वक्त आता है उस तरह बिना किसी के एहसान लिए आधी रात के लगभग 14 मार्च 1992 यानी कि जस्ट आफ्टर 2 मंथ्स आने वाला जो महीना है, ठीक है, 92 ईयर में हर दिल के अजीज गरीबों के रहनुमा शिक्षा समाज एवं आर्थिक जगत में इंकलाब लाने वाले बेदाग व्यक्तित्व के धनी हाजी साहब लाखों को रुलाकर विदा हो गए। इरवा क्या, रांची क्या, सभी इंसान उनके इंतकाल पर शोक में डूब गए। कहते हैं कि उस रात ये नीला आसमान पारे के समान कांप उठा था, तारों के शबनम के रूप में आंसू बहाए थे, धरती माँ अपने बेटे के शोक में थरथरा उठी थी और बेजुबान हो गई थी। अब तो उनके ना रहने पर कुछ लाइन कहकर ही संतोष करना पड़ रहा है, तो उनके बारे में हम कुछ आखिरी 4 लाइनें कहना चाहता हूँ। इरशाद फरमाए, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता चमन पे दीदार पैदा। और इसी तरह इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। और आपसे गुजारिश है प्लीज मेरे साथ नारे लगाएंगे, ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद।